नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और ये वीडियो लगभग 11 दिन बाद आ रहा है क्योंकि इस बीच स्कूलों में भी बहुत ज़्यादा काम था, क्लोजिंग डे चल रहे थे और छुट्टी भी नहीं थी। और जब 12 बजे स्कूल से लौट के आओ तो फिर कोई गार्डनिंग वर्क भी नहीं हो सकता था, और शाम को भी 6 बजे से पहले धूप कम नहीं हो पाती थी तो कोई भी गार्डनिंग वर्क तो नहीं किया। इसके कारण काफ़ी प्लांट भी जो है वीक हो गए हैं, कुछ में थोड़ी सी आयरन की और नाइट्रोजन की भी कमी हुई है, किसी में कैल्शियम की कमी हुई। तो आज एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि अब तो 1-2 महीने की छुट्टी लग गई है, तब तो पूरी तरह गार्डनिंग पे फोकस किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा कि किस किस प्लांट में किस चीज़ की कमी हुई तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो आज अगर गर्मी का सीज़न है तो हमें अगर अपने प्लांट को ग्रीन बनाए रखना है, उनकी लीफ को ग्रीन रखना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्लांट की लीफ शेड हो जाएगी तो फिर वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, उस कारण बहुत वीक हो जाएगा। तो आज हम ऐसी 2 होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जो बहुत कम कॉस्ट में बनती हैं और हम इजीली इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। कोई भी इसका आपका डैमेज आपके प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी जगह कोई भी गलत इफेक्ट आपके प्लांट में नहीं देगा, कि गर्मी में प्लांट डाई हो जाए। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र हैं, एक तो हम बनाएंगे कैल्शियम की कमी की पूरी के लिए, वो हमारी बनेगी चॉक से। तो ये चॉक के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इनको मैं पीस के डालूंगी। वैसे तो अगर आपका प्लांट में आप रेगुलर अप्लाई करते रहते हैं 1-1 महीने में तो आप चॉक का पीस भी डाल सकते हैं, तो वो धीरे धीरे डायल्यूट होकर उसको मिलता रहेगा। क्योंकि इस बीच बहुत लंबा समय हो गया मेरे प्लांट में ये फर्टिलाइज़र नहीं थी, तो मैं इन्हें पाउडर का बना के डालूंगी। और दूसरी फर्टिलाइज़र है ये मेरी चाय पत्ती की, ये यूज़ की हुई नहीं, क्योंकि यूज़ की हुई चाय पत्ती से उसका जो नाइट्रोजन मिलती है प्लांट को वो थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि इस समय प्लांट के मेरे कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिनको नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने इस चाय बिना यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल किया। ये 1-2 चम्मच चाय पत्ती है जिसको मैंने रात में पानी में डाल के फुलो दिया था, जिससे कि उसका पूरा का पूरा नाइट्रोजन मेरे प्लांट में आ सके। तो ये देखिए प्लांट कितने हरे भरे लग रहे हैं क्योंकि नीचे वाले में है। कुछ प्लांट मेरे ऊपर थर्ड फ्लोर पे ऐसे ही धूप में, जो कि हमारे यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच गया है, रखे रहे, जिसके कारण हमें काफ़ी चीज़ की कमी हो गई, उनकी लीफ भी काफ़ी ख़राब हो गई। सबसे ज़्यादा ख़राब तो मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट हो गया है, और इसी धूप के कारण जो गर्म गर्म धूप थे ना, उसकी जितनी पत्ती थी वो भी गिर गई है और थोड़ी बहुत पत्ती बची हुई है, ग्रोथ भी उसकी काफ़ी रुक गई है। तो इस समय उसको काफ़ी केयर की ज़रूरत है। और दूसरा मेरा एक विस्कस का प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, अभी तो काफ़ी हेल्दी था, पर इस समय उसकी ऊपर की जो लीव्स हैं कुछ येलो कलर की हो रही हैं, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा ध्यान देना। तो आप जब भी आप ये दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे, और ये प्लांट की गुड़ाई करने के लिए आपको मतलब शाम के टाइम आप इसमें पानी मत दीजिए, तो ये थोड़ी सॉइल सूखी रहेगी, जिससे जो भी हम फर्टिलाइज़र लिक्विड रूप में डालेंगे तो प्लांट की पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर उसमें पानी होगा तो ओवर वाटरिंग के कारण जब हम उसे डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बहक जाएगा, तो ये प्लांट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाएगा, उसको बाहर निकाल देगा ड्रेनेज होल से। तो इसीलिए हमें अपनी प्लांट की सॉइल थोड़ी सूखी रखनी ड्राई। तो ये देखिए इसकी लीफ कितनी येलो हो रही, प्लांट की लीफ येलो होने का मेन कारण तो बताते हैं नाइट्रोजन की कमी। तो शायद अगर इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी तो जो मैंने चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया वो इसके लिए पूरी तरह वर्क करेगा। और अगर इसमें कैल्शियम की कमी होगी तो जो मैंने पाउडर बनाया है चौक का, इसको मैं 1 चम्मच जो चाय टी स्पून होता है 1 टीस्पून डाला हुआ है मैंने पाउडर, तो ये इसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ये मेरा प्लांटर भी क्योंकि कटिंग से ग्रो हुआ ये प्लांट है, तो छोटे से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ, उसमें मैंने इसमें फुल सॉइल नहीं डाली है, अभी सॉइल काफ़ी कम है, तो ये 1 टीस्पून छोटा सा इसमें डाला हुआ है, तो इसके लिए काफ़ी सफिशियंट रहेगा। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी सॉइल में तब फिर मैं ये चाय पत्ती का जो मैंने बनाया हुआ फर्टिलाइज़र वो इसमें थोड़ा सा डालूँगी। अब चाय पत्ती का कितना फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये शायद मेरे प्लांट की नाइट्रोजन की कमी पूरी करे। दूसरा ये देखिए मेरे कड़पत्ती का प्लांट कितना अच्छा हेल्दी था ये, और उसकी सिर्फ 2 मैं केयर नहीं कर पाई क्योंकि इस एग्ज़ाम हुए स्कूल में, उसके बाद एग्ज़ाम के प्रिपरेशन फिर एडमिशन, इन सब चक्कर में गार्डनिंग का काम बहुत स्लो हो गया, जिसके कारण इस प्लांट की सबसे ज़्यादा बुरी हालत हो गई। तो अब इसकी मैं पहले अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी, उसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच इसमें मैं सिर्फ 1 टीस्पून ही डालूँगी क्योंकि 1 टीस्पून ही बचा हुआ है, और उसकी अच्छे से गुड़ाई करके इसमें मिला दूंगी। और ये एक मेरा जेट प्लांट है, ये मेरी कटिंग से ग्रो किया, मतलब कटिंग ही थी जब इसको लाई थी मालिक के यहाँ से, और उसने मुझे 10 रुपये कर दी थी छोटी सी कटिंग, और देखिए अब कितना हेल्दी हो गया। उससे मैंने कई कटिंग भी तैयार करी हैं, चाय के कप में छोटी छोटी कटिंग ग्रो की हुई हैं,
तो इसमें भी देखिए आप देख सकते हैं लीफ कम है, क्योंकि इसकी भी मैं केयर अच्छे से कर नहीं पाई, तो इसमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी। कहते हैं कि जेड प्लांट में नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा वर्क करती है, तो ये सब तीनों प्लांट में मेरा ये काम करेगी। इसे अप्लाई करने के पहले जेड प्लांट की भी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है, और गुड़ाई करने के बाद उसमें फिर मैंने ये फर्टिलाइज़र दी है। और ये देखिए मेरे कड़ी पत्ता की आपको ग्रोथ दिखाऊँ कैसी हो गई, देखिए लपट के कारण इसने जितनी पत्तियां थी वो भी गिर गई हैं, और ये कुछ सूख के एकदम बेकार हो गया है। अगर मैंने इसका एक महीने और ध्यान नहीं दिया तो ये प्लांट मेरा शायद खराब ही हो जाता। सेकंड फ्लोर पर रखे हुए प्लांट सब सामने रहते थे, तो उनका देखिए केयर करती रही तो सब कितने हरे भरे, पर ये थोड़े से ऊपर रखे रह गए, इनको लाना टाइम से नीचे लाना थोड़ा देर हो गई, तो कितनी इनकी एकदम हालत ख़राब हो गई। तो हमारे प्लांट भी हमारे बच्चे होते हैं, उनकी टाइम से केयर करनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने 3 चम्मच इसका चौक का पाउडर तैयार किया था, बारीक पीसिए, दरदरा पीसिए, बस इतना करिए कि सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये चाय की जो है इसमें 2 चम्मच मैंने चाय की पत्ती बिना यूज़ की हुई, मतलब नई चाय पत्ती इसमें डाली थी, और इसको रात में भिगो के रख दिया। इसके साथ ही मैंने ना इसमें 1/2 चम्मच के करीब फिटकरी का पाउडर भी डाला था। अब फिटकरी का पाउडर अगर आपके प्लांट की जड़ों में, रूट्स में कोई भी किसी तरह की फंगस होती है तो एंटी फंगस का काम करता है, तो इसको मैंने यूज़ किया था। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको लगभग मैं ये 1 लीटर का मग है, इसमें 1 लीटर में बिल्कुल समझिए 1/2 ग्लास, बस 1/2 ग्लास मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा 1/2 ग्लास करके मतलब 1/2 कप, हाँ 1/2 कप के करीब डाला है। और इसको मैं पूरा फुल करके, क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती है तो इसमें हैवी मात्रा में नाइट्रोजन बनी है, यूज़ की हुई मैं कप बनती है, तो ये 1/2 मग पानी मैंने बनाया है, 1/2 कप में 1 लीटर का मतलब 1/2 लीटर पानी मिला के इसको अच्छे से मिक्स करके फिर अपने मैं प्लांट में दे दूँगी। तो ये उसकी नाइट्रोजन की कमी भी पूरा करेगा, और फिटकरी मिली होने के कारण ये उसकी रूट्स में किसी भी तरह की अगर थोड़ी सी भी फंगस होगी तो उस फंगस को भी दूर करेगा। और जेड प्लांट की मैंने गुड़ाई नहीं की थी, तो मैं जेड प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसमें डालूँगी ये फर्टिलाइज़र और लिक्विड और ड्राई पाउडर चॉप का। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र जेड प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी लीफ को घना और बुशी बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं, और डार्क ग्रीन कलर भी देती हैं। तो ये दोनों ऐसी फर्टिलाइज़र हैं कि अगर आप इस समर सीज़न में अपने प्लांट में अप्लाई करेंगे तो उसकी लीफ हरी भरी बनी रहेगी और हेल्दी रहेगा प्लांट, क्योंकि लीफ के बिना प्लांट हेल्दी रहना मुश्किल ही है इस समर सीज़न में। तो इन दोनों फर्टिलाइज़र का आप प्लांट में यूज़ करिए और अपने प्लांट को हरा भरा बनाइए। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल रखा हो और आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी फ्रेंड्स को थैंक यू, क्योंकि उन लोगों ने अभी भी अपना सहयोग बनाए रखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट हो जाता है, और अगर लेट हो जाता है तो समय भी नहीं मिल पाता है उतना चैनल पे जाके सबको सपोर्ट करने का। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे।